अस्सलाम वालेकुम जी। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। अच्छा जी, आज का ब्लॉग कुछ अलग सा है। लास्ट टाइम आपको पता है हमने दूल्हे मियाँ से आपको मिलवाया था, उनसे मुलाकात हुई थी। लास्ट टाइम उनके साथ हमने खाना पीना किया था और थोड़ा सा आउटिंग वगैरह की थी। तो फ़िलहाल उनकी जो है शादी थोड़ी सी नज़दीक है, मीन्स के 1-2 मंथ है तकरीबन, तो तैयारी में यानी कि मसरूफ़ चल रहे थे। तो खैर उनका कहना यह था कि मुझे भजन कोई मिल नहीं रहा जो मेरे साथ तैयारी करने वाला बंदा है, या मैं जाके अपनी शॉपिंग कर सकूं या कुछ इस तरह से एक्टिविटी कर सकूं जिससे मैं बटन जो है मैं अपने सर से उतार दूं ये चीज़ जो है। तो बाकी ये कि हमने उसी दिन बैठ के हमने प्लान किया कि हम चलते हैं शाम में, यानी कि देख लिया करेंगे हमने किस मॉल में जाना है, कहाँ जाना है, क्या सिचुएशन है और क्या लेना है उसने, और उसने क्या डिसाइड किया है, क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें यानी कि डिसाइड करनी है अभी फ़िलहाल उसने। बाकी ये कि अभी एक कहते हैं ना कि विंडो शॉपिंग के तौर है पे ऐसा, तो अभी फ़िलहाल विंडो शॉपिंग ही यानी कि करनी है। तो अगर कुछ पसंद आ भी गया तो वो भी ले लेंगे। बाकी ये है कि मज़ीद भाई साहब का बाहर आ गया, कॉल आ गई, मैंने भी अभी काटी है उनकी कॉल, तो बाकी उनके पास चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या कुछ लेते हैं। अगर मुझे भी कुछ पसंद आ गया तो हम भी ले लेंगे। बाकी ये है कि बाहर वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनके मूड के मुताबिक देखते हैं क्या कुछ लेना है। पहली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है चेज़ वैल्यू। तो चेज़ वैल्यू आए हुए अभी थोड़ा से घूम फिर रहे हैं, तो मेंस में आए हुए हम लोग, देखते हैं अगर कुछ इसमें से दूल्हे भाई को कुछ पसंद आता है तो बाय कर लेंगे, या मुझे कुछ इसमें से ज़्यादा पसंद आ गया तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल शॉपिंग वगैरह चल रही है, बाकी स्टे ट्यून रहिएगा, साथ साथ चलते हैं। यार हम लोग ना शॉपिंग करने के आए और ये बंदा जुराबे ढूंढ रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर, कह रहे मेरे पास जुराबे नहीं है, साइज की है, मेरे साइज की मिल ही नहीं रही, तो मैं समझाओ यार कोई इसे। अच्छा यार, तो चेज वैल्यू से हम बाहर आ गए हैं और सूरत हाल बताते हैं क्या लिए हमने, दिखाना। ये सिर्फ 3 पैक सिर्फ सॉक्स के लिए हैं जस्ट, और करने के आए थे हम शॉपिंग। और मुझे एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो 3 पैक अभी फिलहाल सोच के ले लिए इसने, और बाकी मुझे भी कुछ इतना पसंद नहीं आया विंटर कलेक्शन के हिसाब से। बाकी ये कि अब दूसरी जगह कहाँ चलना है, हमने जा रहे हैं इम्तियाज़ वाली साइड पर, बाकी देखते हैं अगर कहीं अंदर बाजार वगैरह साइड का मूड हुआ, कुछ खाने पीने का हुआ तो वो भी दिखाते हैं, फिर बाकी चलते हैं सलफ मारने अपनी गाड़ी को। अच्छा यार, फिलहाल बाल सेट कर रहा है फिलहाल अभी। किसी ने नहीं देखना यहाँ पे मुझे। अच्छा यार, फिलहाल सीन ये हुआ कि भाईजान इसने वही दो शॉपर ले, एक शॉपर लेके घूम रहा है जुराब होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा घर का सामान लेना था, खाने पीने का, नगेट्स वगैरह, पराठे वगैरह, तो वो ले लिया। अभी तक फिलहाल इसने कुछ नहीं लिया, अब कह रहे मुझे लेके चलो ट्रेड सेंटर। बाकी यार पहले देखते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं या तो फिर पहले खाएंगे फिर चलेंगे, या पहले शॉपिंग करेंगे फिर खाएंगे, तो बाकी चलते हैं ट्रेड सेंटर, वहाँ जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। 1 minute 37 seconds later. चलो फिर। हाँ यार, तो यार ट्रेड सेंटर पहुँच गए हैं। ट्रेड सेंटर पहुँच कर थोड़ी सी की है, थोड़ा सा घूमे फूरे हैं, लेकिन इस भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आसिम इधर आइयो। लेकिन यार इस बंदे के ना ऊपर आखिर है, पूरा पावरफुल घूम लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन पैंटे रखी हुई है, बच्ची कोई रखी नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना यार, तुम पता है, मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ में आ गई। नहीं अच्छा, तुम्हें बता, शॉपिंग करने आया या कुछ और करने आया, मुझे ये बता। करने तो शॉपिंग ही आया था यार, बाकी भी मैंने कहा चलो साथ जो कुछ होता बंदा करता ही रहे। तो अच्छा, कोई चीज समझ में क्यों नहीं आ रही, मुझे ये बता, मेरे लेवल की यहाँ पे चीजें ही नहीं है यार। अच्छा यार, तो यहाँ पर वहां से एक पेंट ले ली थी हमने, यहाँ दिखा, बिल्कुल ठीक लग रहा है साइज, हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। ये भी एक चीज इसको पसंद आ गई है, तो बाकी ये भी फाइनल करवाते हैं। सर्दी लग रही है सही, ये भी पसंद आ गई है, कलर अच्छा लगा है।
तो बाकी यार ये पसंद आ गई है, देखते हैं फाइनल इसका ये करता है नहीं करता। बाकी एक पैंट वगैरह भी दिलवा दिया, वो भी इसको ज़बरदस्ती दिलवाई है पैंट, तो करवाते हैं इसका विनिंग शिलिंग, तो बाकी बताते हैं फिर आपको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा यार शॉपिंग वगैरह तो हो गई है तकरीबन, एक इसने पैंट ली थी और एक इसने जैकेट ली और दो पैंट ली, सॉरी दो पैंटे और एक जैकेट ली है। कितनी ख्वारी के बाद 4 बजे के आए हुए, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ। हो गया टाइम हो गया 7 बज रहे हैं, तकरीबन 3 घंटे हमें हो गए हैं और इसने 3 चीज़ें ली हैं, मतलब ये हुआ कि एक एक घंटे के अंदर 1 चीज़ें ली हैं। बाकी ये क्या कुछ अब खाते हैं, खा कर बताते हैं फिर आपको कैसे। अच्छा यार शॉपिंग से फ्री हो गए हैं, अभी जो फ़िलहाल है वो चोर से गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं, आसिम लेकर आया है मुझे, तो फिलहाल मुझे इतना कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। गोलगप्पे अच्छे होंगे, जिंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, खट्टे में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा यार तो हमारे गोलगप्पे आ गए, गोलगप्पे ट्राई करके बताते हैं किस तरह के हैं। कहा तो हमने स्पाइसी का कहा था, बाकी देखते हैं। अच्छा यार तो गोलगप्पे खा के फ्री हो गए, गोलगप्पे जो अंदर गया है उसने जो तबाही मचाई है ना, स्पाइसी हो गया था फूल, इस वजह से मैंने कैमरा फोन बंद कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि अब हम आए हैं पराठे खाने के लिए, पराठे वो हैं आलू वाले और चिकन वाले, चिकन वाला तो मेरा थोड़ा फेवरेट है, आलू वाले तो खैर खाते रहते हैं, बाकी ये कि टेस्ट वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमारा आलू वाला पराठा आ गया और अभी फ़िलहाल चिकन वाला नहीं आया, क्योंकि इनके पराठे तो वैसे टेस्टी फुल हैं, तो बाकी खाते हैं फिर आपसे डिस्कशन करते हैं। यार ये हमारा चिकन वाला पराठा आया, ये भी यार नेक्स्ट लेवल का है, आलू वाला भी और चिकन वाला भी, तो ये भी खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, और बाकी एक ब्लॉग की जो एंडिंग है वो हम घर जाके करेंगे। 2000 years later. अच्छा यार तो ब्लॉग की एंडिंग करना मैं रह गया था, बाकी ये है कि आपने बताना कि ब्लॉग किस तरह का लगा है, और लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं ब्लॉग का, ठीक है। तो पसंद नहीं भी आए तो पसंद करने की लाजमी कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दी इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।